नमस्कार। हम लोग वर्टिब्रेट्स में स्केलेटन सिस्टम के बारे में जानकारी ले रहे थे। हमने अभी तक एक्सियल स्केलेटन और ब्रेन के रिब इन सब चीजों के बारे में जाना। आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। तो जब हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो स्केलेटल सिस्टम जिसमें हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली अपेंडिकुलर सिस्टम की, तो अपेंडिकुलर सिस्टम में जो दो चीजें आती हैं पेयर्ड फिन्स, या आप टेट्रापोड्स में देखेंगे तो वहां आपको फिन्स नहीं दिखेंगी, वहां आपको लिम्स दिखेंगी। और इसके अलावा दूसरी चीज जो है वो ये है गर्डल्स। गर्डल्स एंटीरियर जो गर्डल है, दो गर्डल है एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर गर्डल या शोल्डर गर्डल जो है उसको हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, और जो पोस्टीरियर गर्डल है उसे हम हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल कहते हैं। शोल्डर या पेक्टोरल गर्डल में आपको डर्मल बोन्स का एज वेल एज इंडोकॉन्ड्रल स्केलेटल एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, उससे ये पेक्टोरल गर्डल बनती है। जबकि अगर आप पेल्विक गर्डल की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल इंडोकॉन्ड्रल स्केलेटल एलिमेंट मौजूद होते हैं जो पेल्विक गर्डल को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक इन दोनों के बीच में डिफरेंस था जिसके बारे में हमने बात करी। सबसे पहले हम बात करते हैं फिशेज में, जहां पर फिन्स पाई जाती हैं। तो अगर हम उससे भी प्रिमिटिव फिशेज की बात करें तो उनके अंदर प्रोजेक्टिंग स्पाइंस, लॉब और प्रोसेसेस होते थे। उनकी तुलना में फिन अलग चीज है। फिन जो होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं या वेव्ड प्रोसेसेस होते हैं जो इंटरनली स्ट्रेंथन्ड होते हैं बाय रेडिएटिंग ऑन एंड थिन फिन रेज के माध्यम से। तो शुरुआत में दे फॉर्म इनिशियली जहां पर डर्मिस और एपिडर्मिस मिलती है उसके इंटरफेस पर ये फॉर्म होते हैं स्केल की तरह, लेकिन बाद में ये फिन सिंक हो जाते हैं डर्मिस में, और इस कारण से कई बार इनको डर्मल फिन रेज भी कहा जाता है। अगर हम इलास्मोब्रिंक की बात करेंगे तो ये जो डर्मल फिन रेज हैं इन्हें हम सीरेटो ट्राइकिया कहते हैं, और ये स्लेंडर केरेटिनाइज्ड रॉड्स होती हैं। जबकि हम अगर बॉनीफिशेज में देखें तो इनको हम लेपिडो ट्राइकिया कहते हैं। लेपिडो ट्राइकिया जो होती हैं वो यूजली ऑसिफाइड या कॉन्ड्रीफाइड सीरीज होती हैं टिनी एलिमेंट्स की, जो कि वेव को स्ट्रेंथन करती हैं। कुछ फिशेज में जो टिप होती है फिन की वो फर्दर और ज्यादा स्टिफंड होती है एडिशनल केरेटिनाइज्ड रॉड से, जिसको एक्टिनो ट्राइकिया भी कहते हैं। तो ये एक और चीज है। तो जो पार्ट फिन का बॉडी के क्लोज होता है, प्रॉक्सिमल में होता है, उसे हम टेरिगोफोर कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, बेसल और स्लेंडर रेडियल्स। तो ये फिन की हमने बात करी। इसके अलावा जो टेट्रापोड्स हैं उनमें फिन नहीं पाई जाती, वहां पर आपको लिम के रूप में अपेंडेज के रूप में लिम दिखेगा। तो फॉर्मल जो टर्म है लिम के लिए वो है सिरिडियम। ये याद रखिएगा, सिरिडियम जो है वो फॉर्मल टर्म है लिम के लिए जो हम यूज करते हैं, और सिरिडियम का मतलब होता है अ मस्कुलर अपेंडेज विद वेल डिफाइंड जॉइंट्स बियरिंग डिजिट्स। इसमें फिंगर और टोए शामिल है, इसमें फिन नहीं आती, ठीक है। तो जो सिरिडिया होता है टेट्रापोड का वो दो प्रकार का होता है, वन इज फोर लिम्ब, अनदर इज हिंड लिम्ब। और जो दोनों का पैटर्न है हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब का वो लगभग एक जैसा होता है। तीन रीजन आप इसमें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वन इज ओटोपोडियम,
ओटोपोडियम जो होता है वो लिंब का डिस्टल एंड होता है, और यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स से मिलकर के बना होता है, जो ये कई सारे एलिमेंट मिलकर बनाते हैं रिस्ट या फिर एंकल। और इसके आगे से आगे की तरफ और ज्यादा डिस्टली अगर हम देखें तो इनमें डिजिट्स मौजूद होंगे। यहाँ याद रखिए कि जनरली हम फोर लेग के लिए हैंड शब्द या हैंड लिम्ब के लिए हम फुट शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हैंड शब्द बेसिकली उनके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो स्ट्रक्चर मॉडिफाई होते हैं ग्रास्पिंग के लिए। लिम्ब के स्ट्रक्चर जो मॉडिफाई ग्रास्पिंग के लिए वो हैंड है, और लिम्ब जो स्टैंडिंग के लिए रोल प्ले करती है वो फुट है। लेकिन सभी टेट्रापोड में आप इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल इसी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बात करें तो क्या हम हॉर्स का जो फोर लिम्ब है उसका टर्मिनल एंड है उसको हैंड कह सकते हैं? डेफिनेटली नहीं। और इसी तरीके से हम डॉल्फिन की जो हिंड लिम्ब है उसके टर्मिनल पार्ट को भी हम फुट नहीं कह सकते। तो इनकी जगह जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है फोर लिम्ब के लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं मेनस, और हैंड लिम्ब के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या आ जाता है? पीस। तो हैंड और फुट को हम नहीं इस्तेमाल करके प्रिफरेबली जो शब्द इस्तेमाल करना चाहिए वो है मेनस और पीस। तो ये है। तो ओटोपोडियम हमने बात की, ओटोपोडियम डिस्टल एंड पे होता है, रिस्टेंकल और डिजिटिस में है। मिडिल सेक्शन जो है उसको हम कहते हैं ज्यूगोपोडियम। ज्यूगोपोडियम जो है वो मिडिल सेक्शन है। इस मिडिल सेक्शन में अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो इंटरनल सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। ये आपने बात करी, हमने बात करी फोर लिम्ब के बारे में, जबकि अगर ये हाइंड लिम्ब का केस है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो दो इंटरनल सपोर्टिव एलिमेंट होंगे वो कहलाएंगे टीबिया एंड फेबुला। तो टीबिया एंड फिबुला ये हिंड लिम्ब में और अल्ना एंड रेडियस जो है वो फोर लिम्ब में। इसके अलावा जो लिम्ब का पार्ट बॉडी के क्लोज होता है दैट इज कॉल्ड स्टाइलोपोडियम। ये वो हिस्सा है लिम्ब का जो कि बॉडी से अटैच होता है, तो ये क्लोजेस्ट पार्ट है बॉडी के, और इसके अंदर केवल एक ही सपोर्टिव एलिमेंट होता है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं। अगर आप अपर आर्म की बात करेंगे यानी कि फोर लिम्ब की, और फीमर जो हाइंड लिम्ब में वाला, तो यहाँ पर केवल वो एक इंटरनल सपोर्टिव एलिमेंट होता है। पेक्टोरल गर्डर जो कि फोर लिम्ब की जो ह्यूमरस है जिससे आर्टिकुलेट करती है वो है ग्लिनोइड फोसा, जो कि पेक्टोरल गर्डल के अंदर एक डिप्रेशन के तौर पे मौजूद होता है। इसी तरह फीमर जो है वो पेल्विक गर्डल में मौजूद एक जो एसिटाबुलम कैविटी है उसमें आर्टिकुलेट करती है। ये एक सॉकेट है, डीप सॉकेट है एसिटाबुलम, जिसके अंदर ये आर्टिकुलेट करती है। नेक्स्ट हम बात करें गर्डल्स के बारे में संक्षिप्त में, तो अगर हम गर्डल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ जैसा हमने बताया दो प्रकार की गर्डल्स हैं, एक फोर यानी कि पहली और दूसरी हैंड में जहाँ हैंड लिम्ब आर्टिकुलेट कर रही है। तो फोर लिम्ब जहाँ आर्टिकुलेट कर रही है जिसके साथ में उसे हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, और जहाँ हैंड लिम्ब आर्टिकुलेट कर रही है उस गर्डल को हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। तो ये दो गर्डल्स होती हैं। जो पेल्विक गर्डल है वहां आपको सिंगल बोन होती है जिसके थ्री पार्ट्स हैं, एक प्यूबिस, एक इश्चियम और एक इलियम। तो जो इलियम है वो अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ में। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप याद रखिएगा, पेक्टोरल गर्डल का कोई अटैचमेंट नहीं होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ में। तो जो टेट्रापोड्स थे, अभी हम यहाँ पे मेनली जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम टेट्रापोड्स की। तो जो टेट्रापोड्स थे जब वो लोकोमोशन के लिए
लोकोमोशन उन्होंने लैंड पे प्रारंभ किया और उन्होंने जब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उनके अंदर जो कुछ एडेप्टेशन हुए थे उनमें एडेप्टेशन में एक बड़ा एडेप्टेशन था पेक्टोरल गर्डल ने स्कल के साथ अपना जितना भी अटैचमेंट था वो खत्म कर दिया। तो इसके कारण जो क्रेनियल मोबिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई और इसी के साथ साथ जो अगर पेक्टोरल गर्डल और क्रेनियम जो एक साथ जुड़े हुए होते थे उसके कारण जो जारिंग होती थी हेड की वो जारिंग भी कम हुई। तो टेट्रापोड्स में गर्डल और लिम्स स्ट्रांग हुए, मोर रोबस्ट हुए, कम्प्लीटली ऑसिफाई हुए। तो यहाँ पर आपने देखा कि पेल्विक गर्डन का अभी भी वर्टिब्रल कॉलम के साथ में अटैचमेंट है लेकिन पेक्टोरल गर्डल का अब किसी भी प्रकार से कनेक्शन नहीं है स्कल के बैक से। तो यहाँ पर आप खासतौर पर ध्यान देंगे तो जहाँ पेल्विक गर्डल में आपने देखा कि तीन पार्ट्स हैं और जैसा मैंने आपको बोला था कि जो पेल्विक पेक्टोरल गर्डल है उसमें डर्मल पार्ट भी होता है, कंट्रीब्यूशन भी होता है। पेल्विक गर्डल में डर्मल कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो पेक्टोरल गर्डल में जिसमें डर्मल कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं तो इसमें आपको दो डिस्टिंक्ट अलग अलग बोन्स दिखेंगी, स्कैपुला और प्रोकेरकॉइड। ठीक है, तो यहां एक चीज और याद रखिए कि ये जो डर्मल बोन्स थी जिसके हम बात कर रहे हैं वो डर्मल बोन्स ब्रेन के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल करती थी स्कल के साथ में, खासतौर पे पोस्ट टेम्पोरल के साथ में। तो ये पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अगर अभी हम देखेंगे मॉडर्न एम्फीबियंस के अगर हम बात करें तो मॉडर्न एम्फीबियंस में भी आपको डर्मल बोन पूरी तरीके से विलुप्त दिखाई देंगी लेकिन कुछ के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत एलिमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फिशेज में स्केपुलो कोरेकोइड जो बोन है वो सिंगल एलिमेंट के रूप में देखने को मिलती है, बाकी आपने हमने जैसा बोला कि ये टू डिस्टिंक्ट बोन्स यानी कि स्केपुला और प्री कोरेकोइड के रूप में दिखाई देती है। प्रिमिटिव एमनियोट्स की हम बात करें तो प्रिमिटिव एमनियोट्स में क्लेविकल और इंटरक्लेविकल परसिस्ट करती है लेकिन क्लेथ्रम एब्सेंट होती है। मॉडर्न रेप्टाइल्स में क्लेविकल आपको एब्सेंट मिलेगी लेकिन कुछ रेप्टाइल्स में ये अभी भी रिटेन की जाती हुई दिखेगी। टर्टल्स में हम बात करें तो जो ये क्लेविकल है ये इनकॉर्पोरेट होता हो जाती है प्लेस्ट्रॉन में और इंटोप्लेस्ट्रॉन के रूप में ये वहां पे आपको नजर आती है। बर्ड्स में, बर्ड्स के अंदर ये जो क्लेविकल है पेयर्ड क्लेविकल वो जनरली अनपेयर्ड इंटरक्लेविकल के साथ में फ्यूज हो जाती है और एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं विशवॉन या फर्कुला। यहां पर आप देखेंगे स्केपुला और प्रोकोरकोइड दोनों जो कि इंडोकॉन्ड्रियल गर्डल्स एलिमेंट हैं ये परसिस्ट करते हैं। ये दोनों पार्ट रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड्स में प्रोमिनेंट पार्ट है। तो जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले यूनिफाइड स्केपुलो कोरकाइड के रूप में फर्स्ट वर्टिब्रेट्स सामने आए लेकिन बाद में ये दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट इंडोकॉन्ड्रल एलिमेंट के रूप में डेवलप हुए। तो यहां पर दो डिफरेंट सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन हुए, वन डोर्सल जो कि है स्केपुला जिसमें डोर्सल ही हुआ और दूसरी है कोरकाइड जिसमें वेंट्रल ही हुआ। तो यहां पर आप देखेंगे खास तौर पर आप साइनेप्सिड में हम बात करें
तो यहाँ आपको थ्री पार्ट शोल्डर गर्डल दिखाई देगी जो कि आपको थेरेप्सिड्स और मोनोटमेट मेमल्स में भी दिखाई देगी। अगर हम थीरियन मेमल्स की बात करें तो जो प्रोकोरकोइड है वो वेस्टिजियल हो जाती है मार्सुपियल्स में या फिर स्टर्नम के मैनुब्रियम में इनकॉर्पोरेट हो जाती है यूथीरियन में। कोरकोइड जो है वो रिड्यूस हो जाती है और स्कोपुला से ज्वाइन कर जाती है कोरकोइड प्रोसेस के रूप में। यद्यपि ये एनाटोमिकली यूनाइटेड रहती हैं लेकिन जेनेटिक पैटर्न जो अगर हम थीरियन कोरकोइड प्रोसेस का देखें और स्कोपुला का देखें तो वो डिफरेंट होक्सजीन के कंट्रोल में होता है अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो सोरप्सिड्स के अंदर ये जो थ्री पार्ट शोल्डर गर्डल है वो रिटेन करती है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि जो क्लेविकल और इंटरक्लेविकल है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि क्लेविकल और इंटरक्लेविकल जो है वो थेरेप्सिड में प्रेजेंट है और मोनोट्रीमेट में भी प्रेजेंट है, लेकिन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल जो मेमल्स हैं उनके अंदर इंटरक्लेविकल एब्सेंट होती है। क्लेविकल जनरली अपने साइज में रिड्यूस हो जाती है और स्केपुला जो है मेन प्रोमिनेंट फीचर के रूप में नजर आता है और साथ ही साथ जो कोरकोइड है वो रिड्यूस हो जाता है और स्केपुला से फ्यूज होकर कोरकोइड प्रोसेस बनाता है। तो ये हमने बात करी कि किस प्रकार से आपके जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है वो वर्टिब्रेट में पाया जाता है, हमने उसका बेसिक जो आइडिया है वो लिया। धन्यवाद।